1920 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मशहूर रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन का जन्म हुआ था। भारतीय स्पेस प्रोग्राम को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनकी मुख्य भूमिका रही। उन्हें भारत में फादर ऑफ फ्लूट कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया था। 1983 में उत्तरी आइलैंड में एक उच्च सुरक्षा वाली जेल मेज में से 38 कैदी भाग निकले थे। इस योजना को डर्मट फिनुकैन नाम के एक व्यक्ति ने अंजाम दिया था। जेल तोड़कर भाग निकलने के बाद 19 कैदियों को वापस गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकी बचकर भाग निकले। 1992 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1018 किलोमीटर का एक रोबोट अंतरिक्ष में भेजा था। इसका नाम मार्स जियोसाइंस क्लाइमेटोलॉजी ऑर्बिटर था। इस रोबोट का उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह, वातावरण, मौसम और चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना था।